अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। आज की हमारी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल कॉफ़ी कस्टर्ड। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में दूध डालेंगे। मैं यहाँ पे 500 ml दूध ले रही हूँ। इसमें 1 कप शक्कर मिला लेंगे। दो टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लेंगे। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा दूध गर्म हो रहा है, आंच को धीमी करके 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। इसमें दूध मिला लेंगे। दूध डालकर इसको घोल लेंगे। इसमें धीरे धीरे डालकर हिलाते हुए डालेंगे। अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इसको और 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, मैंने 1 घंटा पहले इसको फ्रिज में रख के छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके अंदर कटा हुआ पाइनएप्पल डालेंगे 2 से 3 रिंग। ये कटा हुआ आम मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दो बनाना मैंने इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दो टेबलस्पून किशमिश मैंने इसको भिगो कर रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट चिप से गार्निश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रमज़ान स्पेशल कॉफ़ी कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।